नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं बनाना के इंटरकल्चर ऑपरेशन के बारे में कि बनाना में कौन कौन सी विशेष क्रियाएं की जाती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली क्रिया आती है वो आती है अर्थिंगम। अर्थिंगम मतलब मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंगम मतलब मिट्टी चढ़ाना। पौधे के आसपास जो मिट्टी चढ़ाई जाती है उसी को अर्थिंगम की बोला जाता है। तो अर्थिंग अप आखिर में क्यों किया जाता है, अर्थिंग अप करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो अर्थिंग अप की जाती है, अर्थिंग अप की क्यों की जाती है? तो अर्थिंग अप की जाती है पौधे को सहारा देने के लिए कि तेज़ बहाव के कारण जो हमारा जो बनाना की जो फसल है वो कहीं गिर न जाए, उसके लिए भी जो सहारा देने की आवश्यकता होती है। तो जो उसका जो आधार वाला हिस्सा है उस पर हम क्या मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि जो पौधे की जड़ों की जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उससे क्या है कि पौधा तेज़ हवा के कारण गिरता नहीं, और बारिश के दिनों में जो जल भरा होता है, बारिश के दिनों में जो जल भरा होता है तो उससे भी बचाव के लिए पौधे के आसपास मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। अगली जो क्रिया आती है बनाना की फसल में वो आती है कौन सी? डी सकरिंग। डी सकरिंग तो पौधों के आसपास जो अवांछनीय छोटे सकर्स निकल आते हैं उनको जो हटाने की क्रिया कहलाती है वो कहलाती है डी सकरिंग। बनाना की फसल में डी सकरिंग पूरे एक वर्ष में 3 बार की जाती है, और ये की जाती है लगभग 45 से 50 दिन के अंतराल पर। 45 से 50 दिन के अंतराल पर ये 3 बार की जाती है, क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो बनाना फसल है वो क्या है, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल है। तो अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल है तो अगर इसके आसपास अगर छोटे सकर्स निकल आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो पोषक तत्वों के लिए जो हमारी मेन प्लांट है उससे क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए जो अनवांटेड जो सकर्स निकल आते हैं उनको हम हटा देते हैं। ये कब तक हटाते हैं? जब तक कि उसमें फ्लोवरिंग ना आना चले। फ्लोवरिंग आने के बाद क्या है कि हम उस जो हमारा मेन प्लांट है उसके पास एक छोटा सकर्स निकल लेते हैं, ताकि जो हमारी जो मेन फसल है उसको हार्वेस्ट हम करें तब तक हमारी जो अगली फसल के लिए हमारा नया पौधा तैयार हो जाए। तो फ्लोरिंग के बाद उसमें एक सकर्स को हम बढ़ने देते हैं, बाकी जहाँ तक उसमें फ्लोरिंग नहीं होती तब तक तो उसके आसपास हम कोई भी सकर्स को उगने नहीं देंगे या निकलने नहीं देंगे। तो जो सकर्स को जो हटाने की क्रिया है वही क्या कहलाती है, डी सकरिंग। अगर आता है बनाने की फसल में आता है वो प्रोपिंग। प्रोपिंग मतलब सहारा देना। हम जानते हैं कि जो बनाना का जो पौधा है वो क्या है, झूठा तना है, उसमें कोई कठोर तना नहीं होता। तो कठोर तना नहीं होता तो तेज हवा के कारण या जब उसमें बंच आती है, बंच इमरजेंस के बाद जो बंच का जो वेट है वो जो मेन पौधा है हमारा वो सहन नहीं कर सकता। तो उस बंच के भार को सहन करने के लिए हमें जो पौधा है उसको अलग से सहारा देने की आवश्यकता होती है। तो उस सहारा देने के जो क्रिया होती है उसी को प्रोपिंग कहा जाता है। तो बनाना की फसल में जो मेनली जो सहारा देने के लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बांस की लकड़ियों का। बांस की लकड़ियों के द्वारा जो ट्राइपॉड नुमा स्टैंड बनाकर जो हमारा बंच है उसको सहारा दिया जाता है, ताकि जो पौधा है वो बंच के भार को सहन कर सके। अगली जो क्रिया आती है वो आती है बंच कवरिंग, जिसको बैगिंग भी बोला जाता है। तो बंच कवरिंग की जाती है मेनली पॉलीथीन के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। अब बंच कवरिंग करने की आवश्यकता क्यों है? तो बंच कवरिंग अच्छी क्वालिटी के फ्रूट प्राप्त करने के लिए हमें बंच कवरिंग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बंच कवरिंग में क्या होता है कि जो जो हमारा फ्रूट है उसको ठंड ठंड से और जो सूर्य प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से बचाने के लिए उसको बंच कवरिंग की जाती है। साथ ही साथ जो रस चूसक कीट है जैसे कि थ्रिप्स है, एफिड है, उनसे बचाने के लिए भी हमें बंच कवरिंग करना आवश्यक होता है। उसके बाद जो अगली क्रिया आती है बनाना की फसल में वो आती है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब होता है कि सूखी पत्तियाँ जो पत्तियाँ सूख चुकी है उनको हटाना, और जो रोगग्रस्त पत्तियाँ हैं उनको हटाने की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रेसिंग। और एक और इंटरकल्चर ऑपरेशन आता है बनाना में वो आता है डीनेवलिंग। कौन सा आता है? डीनेवलिंग। डीनेवलिंग क्या होता है? तो डीनेवलिंग होता है जो हमारा जो बंच है उसमें एक मेल वाला पार्ट होता है या नर पुष्प होता है, जो फल लगने के बाद उस नर पुष्प की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस नर पुष्प को जो हटाने की क्रिया है वो कहलाती है डीनेवलिंग। और डीनेवलिंग भी केले में ही होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि डीनेवलिंग कौन सी क्रॉप में होती है? तो जो केले की फसल में जो नर पुष्प हटाने की क्रिया है उसको बोला जाता है डीनेवलिंग।
और जो अंत में जो सबसे आखिरी क्रिया होती है वो होती है मेटोकिंग, जो बंच हार्वेस्टिंग के बाद, हमारा जो प्लांट बचता है, क्योंकि भाई केला क्या करता है कि अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, तो एक बार अगर हमने बंच हार्वेस्टिंग कर ली तो जो हमारा जो प्लांट बचा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उस प्लांट को जो हटाने की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है क्या? मेटोकिंग। वो कौन सी क्रिया है? वो है मेटोकिंग। धन्यवाद।